हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय सब लोग फ्री हैं और हम लोग भी एज यूजुअल फ्री हैं और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि 0 to 5 month में हम अपने डॉगी को क्या क्या खिला सकते हैं, उस चीज़ के लिए आज हम आपको जानकारी देंगे। और ध्यान रखते हुए हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जितने आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस समय, तो हम ऐसे ऐसे फूड्स का एक कह सकते हैं कि चार्ट बनाया है, जिससे आपको पता चले कि घर में रहकर भी अपन उन नॉर्मल फूड से इनको प्रॉपर डाइट करवा सकते हैं और इसको किसी तरीके की कोई भी मार्केट फूड की नीड नहीं रहेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट हम करेंगे कि जर्मन सफ़र जब 0 to 1.5 month का होता है तब उसको क्या देना है। ये डाइट प्लान सारे तरीके के डॉग के लिए, चाहे वो किसी का भी ब्रीड का हो। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 to 1.5 month के बीच में क्या दे सकते हैं। कोशिश करना है कि हम कहीं से भी जहां से डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं वहां पास से हम कोशिश करेंगे इसको माँ के पास रहने दें, उनसे बात कर लें कि ये जब 40 डेज का हो जाएगा, आई मीन 1 to 1.5 month का हो जाएगा, तभी हम इसको अपने पास लेंगे। क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, जिससे इनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, और माँ की प्रॉपर गाइडलाइन में होने के कारण इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइफ टाइम ये अच्छे से स्ट्रगल करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं 1.5 to 5 month। 1.5 to 5 month में हम जैसे पेडिग्री अगर मार्केट में अवेलेबल हो, मिल जाए तो दे सकते हैं, नहीं तो हम दही से स्टार्ट करेंगे। रोथ या चिकन मीट का उबला हुआ पानी दे सकते हैं। चिकन के हम बोन निकाल लेंगे और चिकन के छोटे छोटे पीस कर सकते हैं और वो दे सकते हैं, या फिर हम दही, चावल और चिकन तीनों को एक साथ मिला के दे सकते हैं, या फिर अंडे। अंडे भी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, तो दिन भर में कम से कम 1 या 1.5 या 2 अंडे तक दे सकते हैं, जिसे पचा सके, या अंडे को छिलकों को बराबर बचा के रखें, इसका एक बारीक पाउडर बनाएं। अब कच्चा इनको कुछ भी नहीं देना है और बारीक पाउडर को थोड़ा थोड़ा खाने मिला के देना है। अब आते हैं मछली के बारे में। मछली अपन छोटी वाली मछलियाँ देंगे, उसके बीच के कांटे निकाल देंगे और कांटे निकालने के बाद स्टीम कर देंगे। स्टीम की हुई मछली ही अपन को देना है, फ्राई व्राई नहीं देना है। शॉर्ट लाइफ फिश देना है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ वाली फ़िश में मरकरी जम जाता है और मरकरी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो तालाब की मछली देना है और लैक की मछली देना है, और टूना फिश और शॉर्ट फिश नहीं देना। सोया चंक भी अपन यूज कर सकते हैं। सोया चंक को देने का अच्छा तरीका ये है कि इसको पानी में भिगो दें, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप डॉग को दे सकते हैं। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी है, ये अफोर्डेबल भी है, और मार्केट में जितने भी आप जितने बोल सकते हैं, या अधिकतर डॉग फूड्स में सोया रहता है। आप टोफू या फिर पनीर दे सकते हैं। टोफू गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। टोफू रेगुलर बेस पे नहीं देना है, क्योंकि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को चिकन और मीट ज़्यादा सूट करता है, और पनीर कुछ डॉग लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकते हैं। मिल्क डेरिवेटिव्स में लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है, अगर आपका डॉग इससे दिक्कत नहीं होती है तो इसे आप दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में अपन इनको सब्जियाँ भी दे सकते हैं। सब्जियों को देने का तरीका ये है कि आप इसमें पालक, गाजर, मटर, गिल्की, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, कद्दू, इनको बॉईल कर लें। बॉईल करने के साथ आप इनको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या चिकन और राइस मिलाकर भी दे सकते हैं। टाइट पैकेट में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्प्राउट को भी अपन ऐसे राजमा, काबली चना और काले चने को भिगो के बॉईल करके इसको भी आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने एक अपनी टेबल भी बना रखी है, आप इसको देख के भी अपना फूड जो भी होता है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में अपन हम एप्पल, बनाना, कीवी, खरबूज, तरबूज ये सब दे सकते हैं। एप्पल के बीज को अपन को हटा देना है, और याद रखना है कि हम इसको भी लिमिटेड ही देना है। ये विदेशी डॉग्स हैं, ये फ्रूट्स खा सकते हैं, तो अपन तरबूज, कीवी, बनाना और वाटरमेलन ये सब भी फ्रूट इन्हें दे सकते हैं, पर याद रखेंगे बीज हटा देना है सबके। लास्ट में कुछ चीज़ें अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चिकन, अंडा, मीट और मछली, इन सब चीज़ों को आप उनको बॉयल या स्टीम करके देना है, फ्राई नहीं करना है इन सब चीज़ों को। और वेजिटेबल्स को भी अपन को इसी तरीके से देना है कि उनको बॉयल या स्टीम करके देना है। फ्रूट को अच्छे तरीके से धो लेना है फिर ही देना है।
कच्चे मीट में, क्योंकि बैक्टीरिया होता है तो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इनको कच्चा मीट और अंडे तो अपन फोड़ के फिर भी एक तरीके से दे सकते हैं, पर चिकन को अच्छी तरीके से धो के और उसको बॉईल करके दें, क्योंकि उससे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये कि हमें अदरक, लहसुन, प्याज, चॉकलेट, ऑयली फूड्स, नमक, मिर्चा, मसाले नहीं देना है, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।